तो आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पॉइंट है, हम उसकी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जैसे लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या हैं ये मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि सुबह भी आज हमने बात की थी, लर्निंग स्ट्रेटजीज से सीधा सा मतलब क्या है, सीखने के लिए रणनीतियाँ। अब सीखने की जो रणनीतियाँ हैं वो कई हैं। अब एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियाँ अपनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हर एक जो स्ट्रेटजीज तैयार है या यूज़ करनी है वो ना तो हर एक टॉपिक पर इम्प्लीमेंट होती है ना ही हर सब्जेक्ट के लिए वो यूज़फुल होती है, वो डिपेंड करता है। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें मेनली चार जो लर्निंग स्ट्रेटजीज की बात की गई है। पहली है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसको सहकारी अधिगम कहा गया है। दूसरी है कोलैबोरेटिव, जिसको सहयोगी अधिगम कहा गया है। तीसरी है पीयर ट्यूटरिंग, सहयोगी अनुशिक्षण भी कहा गया है, सहगामी भी कहा गया है। फोर्थ नंबर पर है ग्रुप लर्निंग, सामूहिक अधिगम। अब जब मैंने अब इनका नाम पढ़ा है, सहकारी है, सहयोगी है, सहगामी है, सामूहिक है, इनका जो कॉमन कंसेप्ट है क्या है कि इनके जैसे नाम एक जैसे लग रहे हैं, जब हम इन स्ट्रेटजीज को करेंगे हमें ऐसा लगेगा सभी सेम है, एक जैसी है, बट इनमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस है जो इसको एक दूसरे से अलग करता है। और स्ट्रेटजीज को यूज़ करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि टीचर कम मेहनत में अच्छे से करवा सके और बच्चे ज़्यादा मेहनत की बजाय कम मेहनत में अच्छे से सीख सके, तभी एक लर्निंग स्ट्रेटजी यूजफुल है। बट अगर इसको आपको सही तरह से यूज़ ना करना आए तो इसके उलट परिणाम भी आ जाते हैं। अब जैसे अगर बात करते हैं कि बच्चे को पेन चलाना नहीं आता, अब आपने ये देखा होगा कि छोटी क्लास में बच्चे को पेंसिल से काम करवाया जाता है, फिर उसके बाद जब शुरुआत में उसको पेन, जो निब वाला पेन होता है वो पेन यूज़ करने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तीसरे नंबर पर बॉल पेन दिया जाता है जब वो उसकी राइटिंग बन जाती है। अब एक छोटे बच्चे को अगर हम पेन पकड़ा देते हैं, उसको उसका यूज़ नहीं पता, तो वो इधर उधर उसको यूज़ करेगा, उसको भी ख़राब कर देगा, उसको उससे लिखना भी नहीं आता। ठीक उसी तरह से जैसे स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है, एक टीचर को पहले तो उस स्ट्रेटजी की नॉलेज होनी चाहिए, उसको यूज़ कैसे करना है उसका बेहतर पता होना चाहिए, तभी उसका सही परिणाम निकलता है। अगर हमें किसी चीज़ को नहीं चलाना आता और हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपना भी नुकसान करेंगे और वो उस चीज़ को भी ख़राब कर देंगे। तो सेम वही चीज़ इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज भी होती है। तो आज ये जो चार स्ट्रेटजीज हैं इसमें से जो पहली स्ट्रेटजीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले का नाम है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है, को प्लस ऑपरेटिव, सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम में हम बात करेंगे कि बच्चे आपस में समूह में मिलकर एक दूसरे के सहयोग से कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आप मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन का लिखेंगे या सहकारी अधिगम का अर्थ क्या है ये लिखेंगे, उसके बाद में इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या है और एक लिमिटेशंस क्या हैं, और इसमें टीचर के लिए ये क्यों कुछ टीचर्स ने इसको सही नहीं माना, उसके बारे में वन बाय वन हम इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले जॉनसन और स्मिथ ने 1991 में सहकारी अधिगम के प्रत्यय को दिया था, मतलब ज़्यादा कोई पुरानी एक वर्ड नहीं है। 1991 में जॉनसन स्मिथ ने इस वर्ड से हमें परिचित कराया या इस शब्द का प्रयोग किया, इस प्रत्यय का इस्तेमाल किया, जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहा गया है। जैसे मैंने सुबह बताया था कि कोऑपरेटिव वर्ड आप कहीं जगह लिखा देखते हो, जिसका मतलब होता है एक प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जहां मिलकर एक रेशो के साथ, मान लो 60-40 का रेशो है, 50-50 का रेशो है, मिलकर कोई काम करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहां पर भी कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि जहां बच्चे समूह में, एक छोटे से समूह में मिलकर काम करते हैं, और वहाँ पर जब वो मिलकर काम करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है कि सभी बच्चों को समझ आ जाता है, समूह की भागीदारी अलग तरह से होती है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भागीदारी अलग मायने रखती है। अब यहाँ पर भागीदारी से क्या मतलब है, मान लीजिए एक छोटा सा समूह बना दिया है, उनको एक काम दे दिया है, भी तुमने ये चार्ट तैयार करना है,
तो आपस में वो जो 5, 7 या 10 बच्चों का ग्रुप है वो हर एक की अपनी अपनी रोल सुनिश्चित करेंगे, किसने चार्ट लाना है, कौन पेन पेंसिल लाएगा, कौन मार्कर लाएगा, कौन बनाएगा, आपस में वो सारे एक दूसरे के काम बांट लेंगे, तो मिलकर फिर बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक जो समूह है, समूह ने जब मान लो टीचर पूछ रहा है भी किस किस ने काम पूरा कर लिया, तो समूह की भागीदारी इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमने अपने काम को पूरा कर लिया या नहीं। उसमें मैं की बजाय हम को लेके चलेंगे कि हमारा ग्रुप अच्छा दिखे, हमारा ग्रुप अच्छा काम करे, हमने सभी ने मिलकर किया है, किसी एक ने नहीं, सभी ने सहयोग से मिलकर उस काम को पूरा किया, तो इस तरह से सभी मिलकर सीखने का इसमें प्रयास करते हैं। तो पहले तो इसका मैं मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूँ क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे शुरू करेंगे। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1991 में जॉनसन और स्मिथ ने सहकारी अधिगम के प्रत्यय को दिया है और इसका अर्थ है समूह के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया। समूह के साथ मिलकर सीखने की एक प्रक्रिया है। लिए आगे इसका मीनिंग लिखते हैं। सहकारी अधिगम का अर्थ यह है कि जिसमें सहकारी अधिगम प्रक्रिया, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस क्या है, जिसमें छात्र को एक समूह में मिलकर सीखने का अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक छात्र को सीखने का अवसर प्राप्त होता है जिसमें प्रत्येक में एक विषय पर उनकी समझ के लिए अलग अलग योग्यता के स्तर के बहुत कम छात्र होते हैं, तब वे मिलकर सहयोगपूर्ण व बिना किसी भेदभाव के क्रियाओं को पूरा करते हैं। लिख ले राजे यहाँ तक, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद आगे चलेंगे। अब सहकारी अधिगम का हम मतलब इतना समझ गए हैं कि बच्चों को समूह में बांटकर कोई काम देना और जिसमें वे आपस में एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। इसी बात को इन्होंने कहा है कि सहकारी अधिगम प्रक्रिया में जिसमें छात्र एक समूह में मिलकर सीखने का अवसर प्राप्त होता है। ये डिपेंड करता है कि विषय क्या है, उसका उपविषय क्या है, मतलब टॉपिक क्या है और सब्जेक्ट क्या चल रहा है। तो उसमें अब टीचर डिपेंड करता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। ये बात कही जाती है कि 30-35 पे एक टीचर होता है। कई बार क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे भी होते हैं, बट अगर मान लो 30 की रेशियो हो, बहुत अच्छा एक छोटा सा ग्रुप अलग अलग तैयार हो जाते हैं। अब मान लो टीचर ने 8-8 बच्चों के या 10-10 बच्चों के 30 के हिसाब से 3 ग्रुप बना दिए हैं। 10 भी वैसे ज़्यादा हो जाते हैं, 7-8 बच्चे हों सफिशेंट है। उसने कहा इसमें प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जब पूरी क्लास होती है टीचर सभी पर ध्यान नहीं दे पाता, ना ही सभी बच्चे अपनी पार्टिसिपेशन दे पाते हैं। जब ग्रुप छोटा होगा तो हर बच्चे की एक एक्टिविटी डिसाइड कर दी जाती है कि आपने ये काम करना है,
उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। ग्रुप एकदम से नहीं जनरेट हो जाता। मान लो ये है कि ठीक है ऐसे करो, 10 बच्चे ये खड़े हो जाओ, एक ग्रुप बन गया, 10 ये खड़े हो जाओ, 10 वो, नहीं। ग्रुप डिसाइड करने से पहले, ग्रुप बनाने से पहले टीचर के द्वारा इन बातों को सुनिश्चित किया जाता है कि ए बी सी अगर तीन ग्रुप हैं तो किस ग्रुप में कौन रहेगा, क्योंकि अब उसने सेकंड लाइन में यही बात बोली है, जिसमें प्रत्येक में एक विषय पर उनकी समझ के लिए अलग अलग योग्यता स्तर के बच्चे शामिल होते हैं। प्रत्येक ग्रुप में तीन ग्रुप हैं, प्रत्येक में बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार किसको किस में रखना, किसको किस में नहीं रखना, टीचर डिसाइड करेगा। जैसे कि सुबह मैंने बताया था कि मान लीजिए 10 बच्चे हैं एक ग्रुप में, उसमें 2-3 ऐसे होंगे जो पढ़ने में अच्छे हैं, 2-3 ऐसे होंगे जो पढ़ने में थोड़े औसत दर्ज के हैं, 1-2 ऐसे होंगे जो पढ़ने में पिछड़े हुए हैं। अब इस तरह से ग्रुप बनाने का ये पर्पज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़े पिछड़े हुए तो हर चीज़ में पिछड़े होंगे, वो शायद हो सकता है किसी दूसरी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकता है जो पढ़ने में अच्छा हो वो किसी एक्टिविटी में पीछे हो। तो समूह बनाने का पर्पज़ होता है कि सभी योग्यता के अनुसार उन बच्चों को रखा जाए और ग्रुप में एक दूसरे के सहयोग से सीखने का अवसर दिया जाए। आगे उसने क्या कहा है कि छात्र होते हैं तब वे मिलकर सहयोगपूर्ण बिना किसी भेदभाव के, अब ये तीसरी लाइन में क्लियर करता है कि आपस में जब आप ग्रुप में हो आपने सहयोगपूर्ण मतलब आपस में सभी का सहयोग करना अपने ग्रुप का और बिना किसी भेदभाव के, इसमें इसकी भावना से ऊपर उठना है कि मैं तेरा काम नहीं करता या तेरे से मैं नहीं करवाता, नहीं, एक काम है सभी ने मिलकर एक दूसरे के सहयोग से बिना किसी भेदभाव के उसको करना है, तभी सभी को सीखने का सही अवसर प्राप्त होता है। तो सहकारी अधिगम में एक ऐसा सीखने का समूह तैयार किया जाता है जिससे बच्चे आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से बिना किसी भेदभाव के सीखना आरंभ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। पहला है सामूहिक अधिगम, ग्रुप लर्निंग। थोड़ा स्पीड में लिखो। दूसरा पॉइंट है सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। तीसरा है सामूहिक अभ्यास, ग्रुप प्रैक्टिस। नेक्स्ट है सिद्धांतों पर आधारित, नेक्स्ट है जानकारी बांटना, जानकारी बांटना या शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी साझा करना। नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग, स्व अध्ययन। आपसी समझ, म्यूचुअल हेल्प। और लास्ट में स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप या छोटे समूह। लिख लिया सभी ने? अब हम इसकी विशेषताओं पे बात करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है सामूहिक अधिगम, ये एक ऐसा अधिगम या सीखने की प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को समूह में बैठाकर सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। समूह बनाने के पीछे सबसे मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही होता है कि छोटा समूह हो, सभी की भागीदारी हो। क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, सभी की अलग अलग नेचर होती है। कुछ बच्चे हर बात का जवाब देना चाहते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जानते हैं पर बोलते नहीं हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। तो क्लास में तीनों तरह के बच्चे हैं। तो यहाँ पर जब ग्रुप बनेगा, ग्रुप में कोई काम दिया जाएगा या सीखने के लिए कहा जाएगा, उसमें हर बच्चे की भागीदारी निश्चित की जाएगी कि तुमने क्या करना है। इससे उसको समूह में सीखने का पता लगता है और समूह में सीखने से उसको अपने अंदर की कमियों का पता लगता है और वहाँ पर उनको दूर करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है इसी में सहयोग की भावना। अब इसमें जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो है एक दूसरे का सहयोग करना। सहयोग में जिन बच्चों को आता है
वो उन बच्चों का सहयोग करते हैं जिनको नहीं आता है, जिन बच्चों को कम आता है वो भी इन बच्चों से सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हर बच्चे में, यहाँ पर सिर्फ इतना पॉइंट नहीं है कि उस टाइम जिस टाइम हमारा ग्रुप जनरेट हुआ उसी टाइम सीखने की बात है। ऐसे ग्रुप में जब हम काम करते हैं तो हम में एक ऐसी भावना भी जागृत होती है जो हमारी लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट में भी काम आती है, कि बच्चे में उसी समय नहीं बाद में भी दूसरों का किस तरह से सहयोग करना चाहिए, समस्या के समय किस तरह से हेल्प की जा सकती है, इस तरह की भावनाएं भी पैदा होती हैं। तो ये सहयोग की एक बात है जिसमें हम सभी मिलकर उस काम को मन से करते हैं। तीसरा है इसमें सामूहिक अभ्यास। अब इसमें मेन बात है सभी मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। अगर किसी में कोई कमी रह जाती है, गलती रह जाती है, तो उसका दोस्त या दूसरा जो मित्र है वो उसको बता देता है कि ये गलती है। और जब हम सामूहिक अभ्यास करते हैं तो हमारी गलतियों का चांस बहुत कम रह जाता है और जो सीखते हैं उसमें गुणवत्ता का विकास होता है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है सिद्धांतों पर आधारित। ये जो ग्रुप लर्निंग है ये कुछ ना कुछ कौन से लर्निंग बाय प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, अभ्यास करके सीखना, करके एक दूसरे मतलब इस तरह के जो अलग अलग प्रिंसिपल हैं उन पर निर्भर करती है। क्योंकि एक चीज़ को बैठे हुए सुनना अलग चीज़ है, उसको करके देखना, एक दूसरे के साथ मिलकर करना या उसका अभ्यास करना, उससे वो चीज़ हमारी हमारे व्यवहार में आ जाती है। ये मेन फीचर रहती है इसकी। नेक्स्ट है जानकारी बांटना। जानकारी बांटने से मतलब है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए एक बच्चे को एक चीज़ पता है, ग्रुप में बाकी बच्चों को वो नहीं पता थी, वो वहाँ पर उनको क्लियर कर देता है कि हाँ मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ ये क्या है। तो उसने अपनी जानकारी साझा की, किसी बच्चे को कुछ अलग बात पता होती है, किसी को अलग बात होती है। तो इससे आपस में जब हम ग्रुप में सीखते हैं तो हमारे को वो चीज़ें, देखो टीचर क्लास में एक है वो एक बात करवाते हुए क्या पता उसको बच्चे को कुछ ऐसा पता था जो शायद टीचर को ना पता हो सकता है। जब वो ग्रुप में आपस में बातों को शेयर करें तो सामने वाले के लिए सीखना और भी आसान हो जाए। टीचर ने अपनी तरफ से करवाया, बहुत अच्छा करवाया, पर मे भी हो सकता है कि ग्रुप में जब हम एक दूसरे को बातें साझा कर रहे हैं तो हमें सीखना और भी आसान हो जाए। हो सकता है किसी को कुछ ऐसा पता हो जो हमें आपस में नहीं पता था, या टीचर ने जो चीज़ नहीं बताई, या जब टीचर ने बताई हम वो सुनना भूल गए या हम नहीं सुन पाए, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब अध्ययन, सेल्फ लर्निंग। जब क्लास में बैठे रहते हैं हम तो वन साइडेड टीचिंग चलती है, एक एक्टिव है दूसरा पैसिव, उसकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होती। जब हम ग्रुप में सीखते हैं तो सभी को अपने अपने पार्टिसिपेट करना पड़ता है, सभी को स्वयं के लिए समझना आसान हो जाता है, स्वयं करते हैं इसलिए वो समझते हैं। नेक्स्ट है आपसी समझ। आपसी समझ में म्यूचुअल हेल्प की बात आई है, हम एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और उनकी हेल्प करने के बारे में तैयार होते हैं, आपसी समझ का विकास होता है। लास्ट में ये बात करता है स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह। मैंने शुरू में बताया कि मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, हम 10-10 का ग्रुप बनाते हैं, वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। ग्रुप में हो 5 या 6 स्टूडेंट, उससे क्या होता है कि ग्रुप में वो काम जल्दी करेंगे, मिलके करेंगे, जल्दी अपना जो रिजल्ट है हमने कितना कर लिया इस बात को डिक्लेयर कर पाएंगे और सभी को सही जो काम का है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। छोटे ग्रुप होंगे, टीचर उन सब पे नज़र रख सकता है, ध्यान दे सकता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जब इसको लागू किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसकी एकेडमिक एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और टीचर्स इसको क्यों लाइक करते हैं या क्यों डिसलाइक करते हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू।